स्क्रीन पर एक टेक्स्ट को देखते हैं जिसका ये मतलब था कि 1948 में स्लेवरी और स्लेव ट्रेड को ह्यूमन राइट्स के द्वारा पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया है, लेकिन आज भी 28 लाख से ज़्यादा लोगों की स्लेवरी होती है। अब जिन्हें स्लेवरी का मतलब नहीं मालूम, मैं उन्हें बता दूं कि स्लेवरी का मतलब होता है कि दूसरों की गुलामी करना, मतलब कि दुनिया में आज भी गुलामों को बेचा और ख़रीदा जाता है जो कि ह्यूमन राइट्स के द्वारा बैन कर दिए गए हैं। दोस्तों, ये मूवी सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मूवी में जो जो भी बताया गया है वो पूरी तरह से सच हो, या तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मूवी सत्य घटनाओं से इंस्पायर्ड है। अब हम यहाँ पर सेमी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि स्लेव ट्रेड करता था और ये डीलर था। स्लेव ट्रेड का मतलब होता है कि लोगों को किडनैप करके उन्हें गुलाम बना लेना और उनसे ज़बरदस्ती काम कराना। सेमी का ये काम था कि लड़कियों पर नज़र रख के उन्हें किडनैप करवा कर उन्हें लोगों को बेच देना। लेकिन यह स्लेवरी काम करवाने या फिर फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज़ के लिए होती थी, जो कि आप मूवी में आगे देखेंगे। यहाँ पर किडनैप हुई लड़कियों को किसी जानवरों की तरह लाकर उनका वजन करवाकर उन पर गर्म सलाखों से निशान लगा देते हैं, जिससे कि उनके मालिक की पहचान हो जाए, ठीक जानवर को ही तरह जैसे कि जानवर पर गर्म लोहे की रॉड से निशान लगाते हैं ताकि उनके मालिक का पता लगाया जा सके। अब यहाँ पर सेमी अपने क्लाइंट फिलिप को एक लड़की दिखाता है जो उसने किडनैप करके रखी हुई थी। ये लड़की जानवर वाले पिंजरे में कैद थी और उसके शरीर पर कुछ निशान बने हुए थे, जिससे कि फिलिप उस स्लेव मतलब कि उस लड़की को नहीं खरीदता, और इस सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक मेरी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक एनिमल हॉस्पिटल में थी, क्योंकि उसकी पालतू बिल्ली बीमार थी और सर्जरी के दौरान उसकी प्यारी बिल्ली मर जाती है, जिससे कि मेरी को बहुत ही दुख होता है। लेकिन मेरी के बॉयफ्रेंड को इसकी कोई भी चिंता नहीं थी, उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी एक फ्लावर शॉप चलाती थी और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। सेमी की नज़र मेरी पर पड़ जाती है और वो सीधे अपने क्लाइंट को मेरी की इन्फॉर्मेशन देता है। अब हम यहाँ पर सेमी के क्लाइंट फिलिप के बैकग्राउंड में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिलिप एक बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी था और उसकी एक पेट थी जिसका नाम था तारा। वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और तारा के जाने के बाद में फिलिप को उससे अच्छी दोस्त कहीं नहीं मिली। पेट्स इंसान के जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट होते हैं। वे जी भरकर अपने मालिक को खुशियाँ देते हैं, लेकिन अपनी कम उम्र के कारण वो जल्दी ही ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। फिलिप एक ऐसी पेट को ढूंढ रहा था जो कि हमेशा उसके साथ रहे, एक ऐसी पेट जो कि एक ह्यूमन पेट हो। फिलिप मेरी के पास में फ्लावर खरीदने जाता है और वो उसे उदास देखकर उसकी उदासी का कारण पूछता है, और मेरी उसे ये बताती है कि उसने अभी हाल ही में अपने पालतू पेट को खो दिया है। मेरी बिल्कुल ही अकेली है और उसके साथ में उसका दुख शेयर करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। फिर फिलिप मेरी से फूल लेकर उसे लंच ऑफर करता है और उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अपने घर पहुँचते ही मेरी का लैंडलॉर्ड उससे रेंट मांगता है और उसे कहता है कि अगर उसने रेंट जल्दी नहीं चुकाया तो उसे ये घर खाली करना होगा। जिसके बाद में मेरी जब अपने घर के अंदर पहुंचती है तो उसे हॉस्पिटल से एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर मेरी ने सर्जरी के पैसे जमा नहीं किए तो उसकी बिल्ली उसे वापस नहीं मिलेगी। मेरी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो दुखी भी थी। जिसके बाद में मेरी फिलिप के साथ में लंच पर चली जाती है और फिर मेरी रेस्टोरेंट में ही फिलिप को अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसे सुनने के बाद में फिलिप मेरी को $10,000 का चेक देता है और उससे कहता है कि वो अपनी पेट को हॉस्पिटल से लेकर आए और वो उसकी प्रॉपर्टी में उसे दफनाने की प्रोसेस भी कर सकती है, जिससे कि मेरी को ये लगता है कि फिलिप शायद उसकी ज़िंदगी में एंजल बनकर आया है। लेकिन मेरी को ये नहीं पता होता कि इस दुनिया में बिना किसी फ़ायदे के कोई भी इंसान किसी की मदद नहीं करता। अब सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में किसी गैंगस्टर के पास आया है और वो उससे कुछ पैसे उधार मांग रहा है, लेकिन इस लड़के ने उस गैंगस्टर के पहले ही $20,000 नहीं दिए थे, जिसके बदले में वो अपनी गर्लफ्रेंड को उस गैंगस्टर के पास में एक महीने के लिए छोड़ देता है। और फिर ये गैंगस्टर इस लड़की जिसका नाम निकी था उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, और ये गैंगस्टर वही था ह्यूमन स्लेवरी का धंधा करने वाला। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद में गैंगस्टर अपने आदमियों के साथ में निकी को पकड़ता है और उसके गले में एक चेन डालकर एक ह्यूमन पेट बना लेता है। अगेन सीन चेंज होता है और मेरी फिलिप के दिए हुए पैसे से अपना रेंट पे करती है और फिर एनिमल हॉस्पिटल से अपनी बिल्ली को लेकर आती है, जिसके बाद में फिलिप का ड्राइवर मेरी को लेने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है ताकि वो दोनों मिलकर पूरे रीति रिवाज से मेरी की बिल्ली को दफनाए, क्योंकि मेरी का और कोई भी नहीं था और उसे अपनी बिल्ली के खोने का बहुत ही ज़्यादा दुख था। फिलिप के घर पहुंचने के बाद में मेरी ये देखती है कि उसका घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। पहले फिलिप मेरी को अपनी पूरी प्रॉपर्टी घुमाता है और फिर उसे अपनी हाउसकीपर रीटा से मिलवाता है, जिसके बाद में वे सब मेरी की बिल्ली को दफनाने की प्रोसेस करते हैं। मेरी की बिल्ली को दफनाने के बाद में फिलिप उसे अपनी पेट तारा के बारे में बताता है
और वो मेरी को तारा की कुछ चीज़ें भी दिखाता है। फिलिप के अनुसार उसकी न तो वाइफ थी और न ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसकी बस एक पेट थी जो कि अब नहीं रही। फिर हम ये देखते हैं कि फिलिप मेरी को उसका पेट बनने का ऑफर देता है और वो उसके बदले उसे 10,000 रुपये पे करेगा सिर्फ 2 दिनों के लिए। ह्यूमन पेट बनने के दौरान में मेरी को सिर्फ अपने मालिक को प्यार करना था और इस दौरान मेरी को बिना कपड़ों के एक जानवर की तरह रहना था। मेरी ऐसा करना तो नहीं चाहती थी लेकिन पैसों की कमी होने के कारण उसे ऐसा करना पड़ता है। जिसके बाद में फिलिप उसे तारा का बेल्ट पहनाता है जो कि एक रिमोट से कंट्रोल होता था। अगर मेरी फिलिप की बात नहीं मानेगी तो वो रिमोट का बटन दबाएगा जिससे कि मेरी के गले में जो बेल्ट है उसमें एक बहुत ही तेज उसे शॉक लगेगा और फिर मेरी अपने कपड़े उतारकर जानवरों की तरह रहती है और फिलिप उसे एक चेन से बांधकर अपने गार्डन में घुमाने के लिए ले जाता है। वो ना तो बात कर सकती थी और ना ही अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती थी। अब फिलिप उसका मालिक था, वो डिसाइड करेगा कि कब उसे खाना मिलेगा और कब उसको टॉयलेट जाने दिया जाएगा। और फिर हम ये देखते हैं कि 2 दिनों तक ऐसे ही चलता है, मेरी फिलिप की पेट बनकर रहती है और फिलिप मेरी का मालिक बनकर। जिसके बाद में मेरी को भी ऐसे ही अच्छा लगता है क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत सारा प्यार मिल रहा था। और फिर मेरी ये डिसाइड करती है कि वो एक और दिन ऐसे रह सकती है। लेकिन फिलिप और मेरी के इस मालिक और पेट वाले रिलेशन को देखकर रीटा को बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है और यही हालत थी निक्की की, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड पैसे नहीं चुका सकता था और अब निक्की को ऐसे ही रहना होगा। इधर हम ये देखते हैं कि फिलिप मेरी को बार बार शौक देता है और फिर एक दिन फिलिप के पास में उसका एक फ्रेंड आता है जो कि स्लेव ट्रेडिंग करता था। वो मेरी को देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि मेरी की बॉडी पूरी क्लीन थी और वो बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त भी थी। वो फिलिप को ये कहता है कि फिलिप मेरी को ट्रेड मार्केट में बेचकर बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकता है, जिसे सुनकर फिलिप नाराज हो जाता है और अपने फ्रेंड को धमका देता है। यहाँ पर मेरी का ह्यूमन पेट की तरह रहने का समय ख़त्म हो चुका था लेकिन फिलिप मेरी को ये ऑफ़र करता है कि वो और अगले 6 महीने तक उसकी पर्सनल पेट बनकर रह सकती है, जिसके बदले में वो उसे कई ढेर सारे पैसे देगा। अगर मेरी ऐसा करती है तो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 6 महीने तक उसका मालिक फिलिप होगा और उसे उसकी ओनरशिप भी मिल जाएगी। फिलिप मेरी से कहता है कि अगर वो उसका ऑफ़र एक्सेप्ट करती है तो वो यहीं पर अपने कपड़े उतारकर उसके जूतों को किस करें। मेरी पैसों के लिए ऐसा करने के लिए राज़ी हो जाती है और वो तुरंत अपने कपड़े उतारकर फिलिप के जूतों को किस कर देती है, जिससे कि यह साबित हो जाता है कि मेरी अगले 6 महीने तक उसकी प्राइवेट ह्यूमन पेट बनकर रहना चाहती है। मेरी वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है, जिसके बाद में उसे लाया जाता है रजिस्टर करने के लिए, जहाँ पर पहले उसका वज़न होता है और फिर उसके हिप्स पर गरम लाल लोहे की रोड से फिलिप के नाम का टैग लगा दिया जाता है। जिसके बाद में मेरी को फिलिप के घर में लाया जाता है और जाते ही पहले उसे नहलाकर साफ़ सुथरा करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि अगले कुछ दिनों तक फिलिप मेरी के साथ में अपनी पेट तारा के जैसे रहता है। वो जहाँ पर भी जाता है मेरी को अपने साथ में अपने पेट की तरह लेकर जाता है। जिसके बाद में फिलिप एक गैदरिंग में जाता है जहाँ पर बस वही लोग आते हैं जिनके पास में अपना पर्सनल ह्यूमन पेट था। ये जगह एक बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड जगह थी। यहाँ पर सिर्फ फीमेल पेट नहीं बल्कि मेल पेट्स भी थे। जिसके बाद में यहाँ पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है और इस पार्टी के दौरान में सबकी नज़र होती है मेरी पर और कुछ स्लेव डीलर्स भी अपनी बुरी नज़र से मेरी को देखते हैं। यहाँ पर गलती से फिलिप की जेब से मेरी का पेट नंबर गिर जाता है जो कि फिलिप की मेरी पर ऑनरशिप की निशानी था। और फिर यहीं पर ये डीलर उस नंबर को चुरा लेते हैं और फिर मेरी को उसके पेट नंबर के ज़रिए बेच देते हैं। फिलिप जब वापस अपने घर आता है तो यहाँ पर अब उसकी पत्नी भी वापस आ चुकी थी, लेकिन फिलिप ने मेरी को ये झूठ बोला था कि उसकी कोई पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड नहीं है, जिससे कि मेरी को थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। लेकिन फिलिप की वाइफ भी ह्यूमन पेट को देखकर खुश थी। मेरी की फिलिप से दूरियाँ अब बढ़ती जा रही थी। मेरी को अब अलग रखा जाता था क्योंकि फिलिप अब अपनी वाइफ को टाइम देता था। और फिर कुछ लोग फिलिप के घर पर आते हैं मेरी को लेने के लिए, क्योंकि मेरी को धोखे से स्लेव ट्रेडर्स ने ऑक्शन में बेच दिया था। जिसके बाद में डीलर फिलिप को फ़ोन करके बताता है कि उसने ऑनरशिप नंबर खो दिया था, जिससे कि उन्होंने मेरी को ऑनलाइन ऑक्शन में बेच दिया। ये लोग आकर मेरी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और उसे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेमी वहाँ पर आ जाता है और उन्हें धमका देता है जिससे कि वो यहाँ से भाग जाते हैं। फिलिप और उसकी वाइफ अब ये चाहते थे कि मेरी वापस अपनी लाइफ में चली जाए, लेकिन मेरी ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि अब उसे अपने मालिकों से प्यार हो गया था। मेरी एक पालतू जानवर की तरह पिंजरे में बंद रहा करती थी, जहाँ पर रीटा उसे समझाती है कि उसे वापस अपनी पुरानी लाइफ में चले जाना चाहिए। और फिर रीटा एक दिन ये देखती है कि मेरी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और वो मर चुकी है, क्योंकि मेरी को अपने मालिक से दूर नहीं जाना था और उसे इस बात का बहुत ही गहरा सदमा लगा था।
लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि फिलिप मेरी के एशेस को पानी में बहा रहा है और वो अपनी पेट यानी कि मेरी को याद कर रहा है। मूवी के लास्ट सीन में एक स्क्रीन पर एक डाटा शो होता है जिसमें लिखा था कि किन किन देशों से और कहां कहां पर ह्यूमंस को बेचा और ख़रीदा जाता है, जिसमें कि हमारे देश इंडिया का नाम भी शामिल था। तो दोस्तों ये था पेट मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपने देखा कैसे कोई इंसान अपने फ़ायदे के लिए दूसरे मासूम इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर देता है। इस मूवी में स्लेवरी के एक अलग ही सेक्शन को दिखाया गया है जहां पर लेबर या फिर सेक्सुअल इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि पालतू जानवर बनाने के लिए इंसानों को खरीदा जाता है। मेरी पहले बस पैसों के लिए पेट बनती थी, लेकिन समय के साथ साथ उसे अपने मालिक से प्यार हो गया। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमें हमारे